वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूँ काजल सिंह। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे सिनम्स की सीरीज चल रही है। हम डेली आपको न्यू अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड याद कराते हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बहुत सारे वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया है। ऐसे वर्ड्स जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, उनके सिनम्स लगातार पूछे जा रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को हमने इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आज हम जिन वर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, चलिए बारी बारी इन सभी वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने सिनोनिम्स की सीरीज में उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि जी से स्टार्ट होते हैं। उसके पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से अप टू डेट रहने के लिए आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है गैडफ्लाई। गैडफ्लाई की मीनिंग होती है परेशान करने वाला व्यक्ति। इसके सिनोनिम्स हैं एनिमल बाइटिंग एंड एन इरिटेटिंग पर्सन। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? इसमें लास्ट वर्ड आ रहा है फ्लाई। फ्लाई जैसे कि मक्खी वगैरह जो होती हैं वो हमेशा इरिटेट करती हैं, इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैटल। गैटल की मीनिंग होती है सोशल ब्लंडर, सामाजिक भूल। इसे हम रिलेट करेंगे गैटल। गैटल इज साउंड लाइक गलती, गैटल गलती। तो इस तरीके से रिलेट हो जाएगा। हमारा थर्ड वर्ड है गैनसेई। गैनसेई की मीनिंग होती है अस्वीकार करना या फिर डिनाई। हम इसे रिलेट करेंगे गैन एंड से। सी हैज गैन द वेट बट इज नॉट सेइंग इट, विच मीन सी इज डिनाइंग द वेट। यानी कि हम इसे देखेंगे गैन एंड से, गैन एंड से। वेट गैन कर रही है बट डोंट से गैन से, यानी कि डोंट से आ जाएगा हमारा डिनाई वर्ड एंड गेन से आपको पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेट। गेट की मीनिंग होती है चाल, गति। इसके सिनोनिम्स हैं मैनर ऑफ वॉकिंग और रनिंग एंड स्पीड। तो गेट गति, गेट गति नॉर्मली भी रिलेट हो रहा है, या फिर गेट को क्रॉस करने के लिए हमें क्या करना होता है, चलना पड़ता है। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गेल। बहुत ईजी है वर्ड याद करना, क्योंकि इसकी मीनिंग है वाइन स्टॉर्म एंड इसकी मीनिंग हो जाएगी तूफान या आंधी। तो सभी को जानते हैं क्रिस गेल को, और जब क्रिस गेल की बल्लेबाजी आती है तो उनकी पारी की तूफानी में अच्छी अच्छी टीमें जो होती हैं उड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं गेल, जिसे कि हम सिक्स मशीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गोल। गोल की मीनिंग होती है दृढ़ता और ढिढाई। तो इसके सिनोनिम्स हैं बिटरनेस, नर्व एंड चिक। तो कुछ गेम में गोल करने के रूल होते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं इतने ढीठ होते हैं कि जानबूझ के दूसरों को परेशान करने के लिए फाउल में गोल करते हैं। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड भी है गोल, लेकिन इसकी मीनिंग है सताना या फिर झुंझला देना। सिनोनिम्स है अनॉय एंड चैट। तो कई बार कुछ लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई उनके गाल को टच करे, खींचे, पर कोई लोग होते हैं कि उनके गाल को बार बार टच करते रहते हैं, छोटे बच्चों के गाल को खींचते हैं, जिससे कि मतलब सताने के लिए ऐसा करते हैं, और बेचारे जो बच्चे होते हैं वो एकदम से झुंझला जाते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैम्बॉल। गैम्बॉल की मीनिंग होती है कूदफान। इसके सिनोनिम्स है जंप, स्किप अबाउट, लीप एंड बाउंस। गैम्बॉल, तो हम इसे नॉर्मली रिलेट करेंगे कि बैट बॉल का जो गेम होता है उसमें काफ़ी कूदफान होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैप। गैप की मीनिंग होती है दरार। सिनोनिम्स है लीक, क्रैकल, ओपन वाइडली। तो गैप, गैप मतलब दरार, बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है। हम सभी कहते हैं कि दो जनरेशन के बीच गैप, या फिर हमारे और तुम्हारे घर के बीच का जो गैप है। तो इस तरीके से गैप वर्ड की मीनिंग ही होती है दरार या फिर बीच का कुछ स्पेस, इसलिए कहते हैं इसे ओपन वाइडली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर की मीनिंग होती है संचित करना। इसके सिनोनिम्स हैं गैदर एंड स्टोर अप। अगर हम इन वर्ड्स को नॉर्मली पढ़ें गार्नर एंड गैथर, गार्नर एंड गैथर, तो सेम साउंडिंग है गार्नर एंड गैथर, या फिर आप गार्नर को गार्डनर से लीड कर सकते हैं। गार्नर इज साउंड लाइक गार्डनर हु गैथर्स और कलेक्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रॉम हिज गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गॉस। गॉस की मीनिंग होती है भद्दा, या फिर इसे हम कहते हैं अनाड़ी और क्लम्जी एंड क्वाज। तो जब भी हम कुछ भद्दा या कुछ गंदा सा चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं ना ओ माय गॉस, या फिर आप गॉस को लेट करिए वर्ड घोचू, गॉस एंड घोचू। जो घोचू वर्ड है बहुत ही भद्दा साउंड करता है। अगर आप किसी को घोचू कह देते हैं तो एकदम से चिढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ही भद्दा साउंड करता है ये। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गॉन्ट। गॉन्ट की मीनिंग होती है दुबला। इसके सिनोनिम्स से लीन एंड एंगुलर। अगर हम गॉन्ट को गोट से रिलेट करें, गोट मतलब बकरी, तो जो गोट होती है कहीं ना कहीं काऊ और
जो भैंस वगैरह होती हैं, गाय और भैंस के कंपैरिजन में दुबली पतली होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गैवल। गैवल की मीनिंग होती है लकड़ी का हथौड़ा, हैमर लाइक टूल और मैलेट। इसको हम याद करेंगे गैवल को, गैवल साउंड कर रहा है ग्रेवल, गैवल ग्रेवल, एंड ग्रेवल की मीनिंग होती है स्मॉल स्टोन्स। तो हमें टू ब्रेक स्मॉल स्टोन दैट्स मीन ग्रेवल, हमें किसकी ज़रूरत होगी, एक गैवल की, यानी कि ग्रेवल को ब्रेक करने के लिए हमें गैवल की ज़रूरत होगी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जेंट्री। जेंट्री की मीनिंग होती है शरीफ, पीपल ऑफ स्टैंडिंग क्लास ऑफ पीपल जस्ट बिलो नोबिलिटी, सभी लोग कहना चाहिए। तो हम इसे लेट करेंगे जेंट्री जेंटल, जेंट्री एंड जेंटल। जैसे ही जेंटल वर्ड आएगा जेंटल, वैसे ही सभी वर्ड अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है गैन्यूफ्लेक्ट। गैन्यूफ्लेक्ट की मीनिंग होती है घुटने के बल बैठना, नॉर्मली जैसे हम पूजा करते समय बैठते हैं, बैंड द नी एज इन वॉशिप। तो अगर हम इसे लेट करना चाहें तो गैन्यू को हम रिलेट करेंगे घुटने से एंड फ्लैक्ट से बैंड, फ्लैक्ट बैंड गैन्यू घुटना, यानी कि घुटना मोड़ करके बैठना। या फिर अगर हम इसे नॉर्मली पढ़ें तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा जेन्यू फ्लैक्ट। तो जेन्यू को हम रिलेट करें जानू एंड फ्लैक्ट से कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपकी जानू से आपका झगड़ा हो जाए तो आपको पता ही है आपको क्या करना होगा, फिर आपको घुटने के बल बैठ के उसे मनाना होगा। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है घोंसली। घोंसली की मीनिंग होती है हॉर्बल। इसे याद करना बहुत ही आसान है, इसमें स्टार्टिंग में वर्ड आ रहा है घोस्ट, एंड जैसे ही आपको घोस्ट वर्ड याद आएगा हॉर्बल वर्ड अपने आप आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गायब। गायब की मीनिंग होती है उपहास करना, इसके सिनोनिम्स है मॉक। तो गायब को हम रिलेट करेंगे ब्राइब, ब्राइब यानी कि घूस। तो अगर आपको कोई ब्राइब लेते हुए पकड़ ले तो सब आपका उपहास उड़ाएंगे, सब आपके मजाक उड़ाएंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गिडी। गिडी की मीनिंग होती है चक्कर लाने वाला या फिर चकरा देने वाला, इसके सिनोनिम्स हैं डिजी लाइट हार्टेड। तो हम इसे लेट करेंगे इसके दोनों मीनिंग्स को, कि जो गिडी को हम लेट करेंगे किडी, गिडी किडी। तो जो किडी यानी कि जो किड होते हैं लाइट हार्टेड होते हैं और वो दिन भर इधर से उधर कूदते रहते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, गोल गोल घूमने वाला। तो ऐसे गेम्स जो होते हैं कहीं ना कहीं चक्कर लाने वाले होते हैं, इस तरीके से आप इसे लेट कर सकते हैं। किडी आर लाइट हार्टेड एंड दे जंप एंड रन ऑल द टाइम एंड फील डिजी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गर्ट। गर्ट की मीनिंग होती है परिधि, डिस्टेंस अराउंड समथिंग, या फिर नॉर्मली हम कहें तो सरकमफेरेंस। तो हम इसे लेट करेंगे गर्ट को अर्थ से। जब भी आप परिधि वर्ड सुनते हैं कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई गोल तस्वीर आती है। हालांकि परिधि सभी चीज़ों का होता है, अगर हमें ध्यान आता है कि हाँ वो चीज़ हमेशा गोल ही होगी, और नॉर्मली गोल वर्ड से ही हम परिधि को रिलेट भी करते हैं। तो अगर हम गर्थ को अर्थ से रिलेट करें, गर्थ अर्थ, तो अर्थ भी लगभग गोलाकार संरचना की है, अर्थ की भी परिधि है। तो इस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गौरी। गौरी की मीनिंग होती है घमासान, सिनोनिम्स है ब्लडी। इसे हम रिलेट करेंगे गौरी, गौरी की मीन्स घमासान। तो मोहम्मद गौरी, आप सभी जानते होंगे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच घमासान लड़ाई हुई थी, जिसे हम तराइन का युद्ध कहते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी वर्ड्स को रिलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा मोटिव है आपको इन वर्ड्स को रिलेट कराना। सो फ्रेंड, ये थे हमारा आज का सेशन। होप सो आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है, सारे वर्ड्स आपको आसानी से याद हो गए हैं, तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स साथ ही साथ इन वर्ड्स पर अच्छी कमांड करने के लिए आप इन्हें नोट कॉपी में नोट डाउन करते चलें और इन्हें अपने डेली रूटीन में जरूर यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स से फेमिलियर होंगे उतना ज़्यादा आपको ये वर्ड्स आराम से याद होते जाएंगे और आप उनकी यूजेस को आसानी से कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी होती रहिए। और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।